सो एक हल्का बैक टू द न्यू व्लॉग। और यहाँ पर व्लॉग स्टार्ट करने में बहुत अच्छा फील होता है भाई, क्योंकि सामने से जो मस्त मस्त रिफ्लेक्शन आते हैं लाइट के, उसमें फ्रेम बहुत अच्छा आता है। तो फिलहाल अभी अंदर चलते हैं भाई। अभी हमको एक काम मिला कि हमको पानी को अंदर लाने का है। हमने इस टाइप के कंटेनर्स बुक करवा लिए थे, क्योंकि यार यहाँ पानी वाले दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ आर ओ नहीं लगा है भाई। और दाल वाल का भी दिक्कत होता है गलने के लिए, जब तक के आर ओ नहीं लगता तब तक के अपन ये बनवाया भाई। तो इसी से काम चलाना पड़ेगा अभी। तो सबसे पहले तो ये ठीक कराना पड़ेगा, बहुत इरिटेट करता है भाई। अपन ने ओवरफ्लो बनवाया था, उसमें ये दिक्कत है। ओवरफ्लो तो हो रहा है लेकिन साथ साथ पूरा छत भी गीला हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं ओवरफ्लो का। तो उस चीज़ को देख रहा हूँ मैं कि क्या सीन है। ये चीज़ के कारण मेन है, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो गया है, दीवार के कारण ये नीचे दब गया है, और उसका टंकी का हाइट उतना भी नहीं है भाई। जोश जोश में तो ऊपर आ गया भाई, वॉशरूम लग रहा है। अभी हमारा टास्क है गुल्लक फोड़ने का। हम मम्मी बोलती है कि ऐसे नहीं फोड़ते, धीरे फोड़ते हैं। हम कौन सा छत से फेंक रहे भाई उसको। हेलो, देख सकते हो मटके की हालत कैसी हो गई है, लगभग टूटने वाला है। तो हम सोच रहे थे ऐसा गुल्लक रखने से अच्छा इसको फोड़ के पूरा पैसा मैं अपने पास रख लूं और संभाल के कि बाद में नेहा को दे सकूं। तो तू संभाल डबल करके देगा तो दे दूंगी। एक का डबल नहीं करना, तोड़ो। ओह शिट, क्या पैसा यार, कोई पैसा नहीं था। थैंक यू पैसा मेरे गुल्लक में, क्या मतलब इतना पुराना गुल्लक रखने से भी जो गुल्लक वैसा नहीं आ गई। ये देखो मेरा चिल्लर इसमें था भाई। अबे वो मेरा है, मेरा वो सिंगापुर का सिक्का था, मेरे को दे दे वापस दे दे, मैं मार दूंगा तेरे को। सिंगापुर का सिक्का था वो, मेरा मैं उसी को खोज रहा था कौन सा है कहाँ गया करके। मेरा तू मेरे को सिंगापुर का सिक्का दे, मैं नहीं जानता भाई। भाई मेरा सिंगापुर का सिक्का ले ली भाई, दे दे मेरे को। नहीं सिंगापुर का, ये तो भारतीय लिखा हुआ है, रख ले ठीक है, ले ले थैंक यू। ये देखो फर्जी सिक्का रखी है, असली है वो। ये फर्जी है, असली किसको बोलते हो बताओ। दोनों के बीच में ऐसे रहता है ना, बीच में 10 लिखा रहता है, वो ये 10 से ज्यादा लाइन है ना भाई, कितना सारा लाइन है। छोड़ नहीं गिन पाएगी तू मैक्स के लिए। पहले 5 का, 1 का, 2 का, सबको अलग करके रखते हैं, फिर मिलते हैं। तीनों सिक्के अलग हो चुके हैं, अब इसमें डाल देते हैं। ये हमारा नया गुल्लक है प्रीमियम वाला। एक काम कर, उन लोगों को निकाल दे, 5-5 का जमा कर, फिर क्या होगा। तो गाइस फाइनली गुल्लक का काम हो चुका है, और गुल्लक के मतलब 5 रुपए का सिक्का सब पूरे गुल्लक में डाल दिया, और बाकी जो 1-2 का सिक्का था उसका नोट बनवा लेंगे बाद में। और फिलहाल इस रूम को देखो, लगभग पूरा प्रॉपर जम चुका है मेरा। यहाँ पीसी वगैरह रखा हुआ है, ये बैग है, ये बैग को अपन को ऊपर टांगना है। यहाँ बता तो पीसी पर्सनल कंप्यूटर। ओह माय गॉड, कहाँ से सीखा इसको। मेरे को रखने का है वहाँ, और ये लिटरली बहुत ज्यादा भारी है भाई, तो इसको मैं नहीं रखूंगा, ये नेहा रखेगी, है ना। देखो ना कहा सुन कैसे भाग रही है। इस रूम में थोड़ी सी लाइट की कमी है भाई, तो क्योंकि सामने में ये 2 बड़े बड़े अलमारी है, तो बड़े बड़े अलमारी है, उसके चक्कर में पूरा लाइट दब जाता है भाई। तो यहाँ अपन ट्यूबलाइट लगाएंगे, यहाँ नहीं तीनों रूम में लगेगा, रूम के लाइट थोड़े कम रहे। चलिए 1 हफ्ते बाद ये जाके पूरा जमा है अपने प्रॉपर जगह में, क्योंकि भाई ये लेने के लिए कोई जा ही नहीं रहा था। बाबा मम्मी मेरे को बोल रही थी, लेकिन मेरे को भी बहुत काम था, ऐसा होता है करके नहीं कर पा रहा था। तो फाइनली आ चुका है वो भी, तो देखो क्या जमा रही है। जब से मैं आया ना तब से कुछ नहीं, बस इसको टांग दे, उसको टांग दे, इसको टांग दे, उसको टांग दे, इसको टांग दे, उसको टांग दे। तो सामान जब निकालना होगा तो कैसे करेंगे। मेरा इंतकाम देखेगी। आज नहीं मतलब कल आपको हम नेहा की ड्राइंग्स दिखाएंगे। नेहा ने बहुत खूबसूरत ड्राइंग बनाई है, अभी नहीं पहले, जो ये देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे ड्राइंग्स है। अभी इसको टांगने का मिशन है, बाप रे मैं कैसे टांगूंगा, क्यों नहीं हो पा रहा है क्या। बहुत भारी है। नेहा आज बता क्या होने वाला है, क्या मेरे को कुछ बताएगा क्या। गाइस आज हम होम टूर बनाने वाले हैं, बढ़िया वाली। इतना गंदे देखिए, मैं भूल गई। तो आज होम टूर आने वाला है, मतलब बनाएंगे आज, और फिर उसके बाद इस व्लॉग के बाद वो डल जाएगा। तो होम टूर देखना कि कैसा है क्या है, बताना कैसा है घर हमारा, छोटा सा ड्रीम हाउस कैसा है। तो भाई एक उस्ताद है, इसको बांधना है अपन को बाहर, क्या है।
वहां से लेके यहाँ तक बांधना है। इतना इज्जत से भर रही है तू, भर रही है वहीं से लेके छड़। हाँ उसके नीचे कुछ है, उसको भी छू ले। हेलो गाइस, तो जल्दी से तार लगाते हैं, बहुत उलझा हुआ तार है नेहा के दिमाग जैसा। तो भाई एक साइड बन चुका है, इस साइड एक साइड बाकी है और जाने का इच्छा नहीं हो रहा क्योंकि बाहर इतनी धूप है। तो गाइस फाइनली मिशन सक्सेसफुल, एक तार लग चुका है भाई। इसको काटने में बहुत दिक्कत हुआ है यार, यहाँ पर एकदम काली बिल्ली है, देखो खतरनाक दिख रही है ओ भाई। तो गाइस बाहर एकदम पानी गिर रहा था, अभी फिलहाल मौसम खुल चुका है और अभी चलते अंदर खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस आपको पता है जैसे कि हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ जो टीवी का कनेक्शन है भाई वो नहीं आया था, तो उसके लिए अपन डिस्क लगवा रहे हैं। जो भैया अभी आए थे डिस्क लगाने आया था, उनको बोले कि साथ में डिस्क भी लेके आना, लेकिन वो लाना भूल गए तो फिर वो ऑफिस गए भाई लेने के लिए। यार हम लोग से पहले इस घर में कोई किराएदार रहते थे तो उन लोग इतना रफ यूज़ करके गए भाई घर को, तो यहाँ अपन को बहुत मेंटेनेंस करवाना पड़ रहा है। और जैसे शिफ्ट के टाइम भी कुछ सामान था जो टूट गया, उसको भी अपन को रिपेयर करवाना पड़ेगा। फिलहाल तो पहले डिस्क लगवाते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई और क्या बचा हुआ है। भाई यार रोज का मौसम एकदम मस्त मस्त आ गया, सही मौसम। मेरे को आज होम टूर भी बनाना है तो बस ये वाला काम करवाते हैं, फिर उसके बाद होम टूर बनाएंगे भाई। भाई साहब भैया 5 मिनट बोल के गए थे और अभी तक 15-20 मिनट हो गया भाई, अभी तक नहीं आया यार। गाइस फाइनली हमारे डिश का कनेक्शन तो लग चुका है और मैं चाह रहा था कि अभी होम टूर बनाओ, लेकिन अभी नेहा मम्मी लोग सब सोए हुए हैं तो उन लोग को डिस्टर्ब करना है ठीक नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल सुबह बनाऊंगा उस चीज़ को। शायद में ऐसा लगता है ना कि बस कुर्सी लगाओ यार साइड में और देखते रहो यार मौसम को कितना प्यारा हो रहा है भाई। मम्मी का पर्दा लगाने के पर्दा निकालने लगाने के चक्कर में भाई मेरा हाथ कटा गया। सकते हो थोड़ा काम हम कर रही है, नेहा बेल रही है अभी आटा। तेरे जैसे थोड़ी हाँ चल चल, तेरे से फ्री फोकटी की थोड़ी। तो गाइस अभी मम्मी लोग बना रहे खाना खाना, शाम में हो रही थी बहुत बारिश तो मैं व्लॉग कुछ शूट नहीं कर पाया। मैं बाहर जाने वाला था लेकिन बारिश के कारण कहीं बाहर नहीं जा पाया। मिशन वगैरह के काम हो चुके हैं भाई, लेकिन कल एक और काम है यार। आपको जैसे बताया था कि शिफ्ट के टाइम कुछ कुछ टूट गया था, तो उसमें से एक पलंग भी था जो साइड से टूट गया था, तो उसके लिए अपन को पढ़ाई बुलाना पड़ेगा। और ये गेट जो है वो बहुत आवाज़ करता है, उस गेट को भी ठीक करवाना पड़ेगा। ये चेक करो, लिटरली कोई देख के बिगड़ जाएगा भाई, ये क्या टंगा हुआ। ये फर्जी सांप यहाँ पर टांग दिए मेरे घर वाले भी ना आ रही। खाना वाना बन गया तो अभी पहले खाना खाते हैं और कल सुबह फॉर श्योर मैं होम टूर का वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। और इस व्लॉग के बाद आप देख सकते हो, तो इस व्लॉग का करते हैं 1%। मिलता है आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।